बॉलीवुड में हर साल कई नए कलाकार एंट्री लेते हैं, जिसमें से कुछ सक्सेसफुल होते हैं तो कुछ फ्लॉप हो जाते हैं। और इन्हीं कलाकारों में साउथ के कुछ सुपरस्टार्स का नाम भी शामिल है, जो बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने के लिए आए थे, लेकिन ये स्टार्स अपनी इस कोशिश में नाकामयाब रहे। आपको बता दें कि ये सभी स्टार्स साउथ के सुपरस्टार लिस्ट में शुमार हैं, लेकिन बॉलीवुड में इनकी किस्मत का सिक्का फेल हो गया। और आज हम आपको साउथ के कुछ ऐसे ही सुपरस्टार्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो बॉलीवुड में फ्लॉप रहे। पहला नाम है श्रुति हासन का। सुपरस्टार कमल हासन की बेटी श्रुति हासन साउथ की फेमस एक्ट्रेसेस में से एक हैं। श्रुति ने बॉलीवुड में भी कई सारी फिल्में की हैं। श्रुति बॉलीवुड में रमैया वस्तावैया, गब्बर इज बैक और वेलकम बैक जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। लेकिन बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने में श्रुति नाकामयाब रही। दूसरा नाम है तमन्ना भाटिया का। तमन्ना ने बॉलीवुड में हिम्मत वाला से अपना बिग बॉलीवुड डेब्यू किया था, जिसमें वो अजय देवगन के साथ नजर आई थी। इसके बाद तमन्ना अक्षय कुमार के साथ एंटरटेनमेंट और सैफ अली खान के साथ हमशक्ल जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बॉलीवुड में कोई खास फायदा नहीं मिला। तीसरा नाम है श्रेया सरन का। साउथ एक्ट्रेस श्रेया सरन ने आवारापन से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था, जिसमें वो इमरान हाशमी के साथ नजर आई थी, लेकिन इन्हें भी बॉलीवुड में कुछ खास पहचान नहीं मिल पाई और श्रेया भी बॉलीवुड में फ्लॉप रही। चौथा नाम है नागार्जुन का। नागार्जुन का नाम साउथ के टॉप लिस्ट सुपरस्टार्स में शामिल है, लेकिन उन्होंने भी अपने करियर के शुरुआती दिनों में बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन वो भी इसमें नाकाम रहे। पांचवा नाम है सुदीप का। साउथ सुपरस्टार सुदीप बॉलीवुड में रन और फूक जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं, लेकिन बॉलीवुड में उनकी ये कोशिश काफी नाकामयाब रही। हालांकि अब खबर है कि सुदीप जल्द ही सलमान की फिल्म दबंग 3 में नजर आने वाले हैं, जिसमें वो विलन बनकर सलमान को टक्कर देते हुए नजर आएंगे। तो अब देखना होगा कि सुदीप को ऑडियंस दबंग 3 में कितना पसंद करती है। तो ये थे साउथ के वो सुपरस्टार्स जो बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने में नाकामयाब रहे। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।